30 जुलाई 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर फवाद शुकुर की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी। इसके कुछ ही घंटों बाद 31 जुलाई 2024 के तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के मुखिया इस्माइल हानिये के एक हवाई हमले में हत्या हो गई थी। हमास हिजबुल्ला और ईरान के लिए ऐसे झटके थे जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाएंगे। इन तीनों ने शायद कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इसराइल एक ही झटके में उसके दो कद्दावर लोगों को ठिकाने लगा देगा। और इसके ठीक बाद इजरायली मीडिया ने एक ऐसा दावा किया जिससे ईरान, लेबनान और हमास में खलबली मच गई। दरअसल इजरायली मीडिया ने हमास के सैन्य नेता मोहम्मद डायफ की हत्या की खबर चलाई थी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मोहम्मद डायफ को 13 जुलाई 2024 को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया था, जिसकी पुष्टि IDF ने 1 अगस्त 2024 को की थी। लेकिन अब हमास के सीनियर नेता ओसामा हमदान ने चुप्पी तोड़ी है। ओसामा हमदान ने न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस यानी AP को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अल कसम ब्रिगेड्स के कमांडर इन चीफ मोहम्मद डायफ अभी जीवित हैं और स्वस्थ हैं। हालांकि ये पहली बार है जब इजरायली मीडिया के किसी दावे पर हमास के सीनियर लीडर ने प्रतिक्रिया दी हो। दरअसल इसराइल ने 1 जून 2024 को मोहम्मद डायफ को पिछले महीने के एयर स्ट्राइक में मार गिराने का दावा किया है। वहीं डायफ की मौत को लेकर हमास नेता हमदान ने न्यूज एजेंसी AP से कहा कि हमास का मानना है कि इसराइल ने डायफ को जुलाई में मारने का दावा किया था और ये दावा उस दिन किया गया था जिस दिन इसराइल ने एक ही बार में 88 फिलिस्तीनियों की जान ले ली थी, लेकिन वो सुरक्षित हैं। इस सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि इस्माइल हानिये की मौत के बावजूद इसराइल मोहम्मद डायफ के पीछे क्यों पड़ा है। तो आपको बता दें कि मोहम्मद डायफ 1990 के दशक में अल कासिम ब्रिगेड्स के संस्थापकों में से एक है और डायफ की अगुवाई में 20 साल से ज्यादा से अल कासिम ब्रिगेड्स गाजा में जिंदा है। यही वजह है कि इसराइल के रडार पर मोहम्मद डायफ और हमास के नए मुखिया यहया सिनवार काफी पहले से हैं। दरअसल IDF का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के पीछे मोहम्मद डायफ और यहया सिनवार मास्टरमाइंड थे। वहीं यहया सिनवार ने गाजा में हमास के नेता रहे हैं और उन्होंने इस्माइल हानिये की जगह ली है। यहया सिनवार साल 2002 में अल कासिम ब्रिगेड्स के मुखिया थे और उनसे पहले अल कासिम के मुखिया सलाह शहादा को भी इसराइल ने मार गिराया था, जिसके बाद सिनवार ने गद्दी संभाली थी। वहीं मोहम्मद डायफ ने पूरे गाजा में हमास के सुरंगी नेटवर्क को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और अब जब इजरायली सेना गाजा में हमास का सफाया करने में लगी हुई है तो यही सुरंगें हमास की सबसे बड़ी ढाल बन गई है। और तो और, हमास के लड़ाकों ने इन्हीं सुरंगों में इजरायली बंधकों को छिपा कर रखा हुआ है।